राखी जी क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत गाना हम सुन रहे थे, शूट हो रहा था अभी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी उसमें, इस पूरे वीडियो के बारे में, वीडियो सॉन्ग के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको थैंक्स कहती हूँ कि आप लोग आए मेरे वीडियो शूट पर, और मैं कुछ किसी की बजाने पे तुली हुई हूँ कि इंडियन लड़की में कितना नमक है, इंडियन लड़की में कितनी आग है, कितनी नमक मिर्च स्पाइसी है, तो हमें बाहर से लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डांस करेगा बाहर से आके, तो इंडियन लड़की के पीछे करेगा। तो आप देखते हैं कि मेरे हर वीडियो में मैं सब फिरंगियों को पीछे नचवाती हूँ और मैं आगे होती हूँ, क्योंकि आई एम ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। सो मैं इसलिए बहुत सारे वीडियोज़ लेकर, बहुत ही ग्लैमर लुक लेकर, आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा बूम नीचे रखिए, ओके, और आप मुझे देख सकते हैं एकदम ग्लैमर अवतार में, है ना? तो मैं एक बहुत ही पंजाबियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बढ़िया सा वीडियो लेकर आ रही हूँ, पार्टी लाइक अ पंजाबी। तो पूरा क्लबिंग है, पूरा स्विमिंग पूल लुक है, पूरा बिकनी लुक है, मैंने इतना बिकनी कभी नहीं पहना। तो लोगों को अगर यही पसंद है तो हम उन्हें वही परोसेंगे, अगर लोगों को ये पसंद है, ये आप समझ रहे हैं, तो हम लोगों को यही परोसने वाले हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मैंटेलिटी लोगों की चेंज हो गई है, एंड दे वॉन्ट टू सी समथिंग डिफरेंट, एंड अच्छा लगता है, ठीक है, पब्लिक डिमांड। जैसे कि पिकनिक शॉट्स है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ डाइट मेंटेन करनी पड़ी होगी। आप देख सकते हैं मेरी कमर, ओ माई गॉड, बहुत ही मेंटेन कर रही हूँ। आप यकीन मानिए कि मैं मनदीप का योगा है, मनदीप का योगा मैं कर रही हूँ, जो मेरे ख्याल से एकता कपूर भी करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्लिम हो गई है। तो जब मुझे पता चला कि मनदीप का योगा जो 48 फिटनेस के नीचे हैं स्टार बाज़ार में, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आके लोग, लड़कियाँ स्लिम ट्रिम और ग्लैमरस हो जाती है, तो मैं मनदीप के योगा में करके, आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी हॉट हो गई है। बाबा रामदेव बाबा के योगा में जो मज़ा नहीं है, वो मनदीप के योगा में मज़ा है। बिकॉज़ वहाँ पे रोज़ टीचर चेंज होते हैं, मेल फीमेल दोनों सिखाते हैं, और आजकल बाबा रामदेव के पास लोगों के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है बाबा रामदेव जी के लिए, आई एम सॉरी। राखी, आपने कहा यू नो आपको योगा करना पड़ा अपने बॉडी को स्लिम एंड ट्रिम रखने के लिए, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हैं, क्यों ये सब करना पड़ रहा है? क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? बिकॉज बहुत सारा कंपटीशन है, और देखिए इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज अच्छे वीडियो बनाना है, ग्लैमरस दिखना है, और टमी सब कुछ अंदर होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें बाहर होनी चाहिए, एंड इसीलिए ग्लैमरस अवतार में ले रही हूँ। बहुत जल्द एक जन है, उसकी वाट लगानी है। वो कौन जन है वो तो बताइए प्लीज, वो राज कौन है, वो मेन कंपटीशन एक ही, वन एंड ओनली एक ही है। हाँ, कौन? आई डोंट केयर। राखी, नाम बता दीजिए। अरे आप सब जानते हो, हम जानते हैं, मैं राखी सावंत आई हूँ लीला को गीला करने, यू अंडरस्टैंड, लीला को पूरा गीला कर दूंगी। जी हाँ, लीला सनी की बात करें, बिल्कुल सनी लियोनी, ऑफ कोर्स, यस। वैसे आपको एक खबर दे दी जाए, उनको हाल ही में उनके घर से निकाल दिया गया जहाँ पे वो रह रही थी, उन पे एक डोंबिवली में केस भी रजिस्टर हुआ। घर से नहीं निकालेंगे उनको, तो क्या करेंगे? ये ऐसे ऐसी हरकतें करती हैं तो कैसे चलेगा? अब देखिए, मैं इंडियन लड़की हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी आई, अब ये सब कुछ मुझे पहनने के लिए उसी ने मजबूर किया, और उससे ज्यादा हॉट लग रही है, ज्यादा हॉट। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, मैं ये कहती हूँ, देखिए, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज डोंट कवर माय लाइट। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस भी सब कुछ होता है। आप मेरे हर मैंने हमेशा हिंदुस्तान के दर्शकों को हमेशा अपने टैलेंट, अपने डांस, अपने कॉमेडी, अपने एंटरटेनमेंट से हमेशा पब्लिक को मैंने हंसाया है, और बहुत ही उनको खुश किया है, एंड आई एम श्योर कि मेरा जो ये पार्टी पंजाबी जो वीडियो आने वाला है, तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और ये स्पेशली यू सनी लियोनी, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माय इंडिया, ओके, यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माय फिल्म इंडस्ट्री, दैट्स इट। तुम उधर जाके अपना जो लॉलीपॉप खाना है लॉलीपॉप खाओ, जो करना है वो करो, ओके, नॉट हियर,
लोगों के, तुम्हारी वजह से हम लोगों को ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, बिकॉज हर कोई यही डिमांड कर रहा है, यू नो. एंड आई रियली डोंट लाइक, चलो राखी सावंत है तो पहन ली है, बट मैं नहीं चाहती कि कोई और इंडियन लड़की ये सब कुछ ऐसा कुछ पहने. ओके, उसमें तो कोई बुराई है नहीं, अगर आपके पास अच्छी बॉडी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप दिखा सकते हैं. लास्टली राखी, एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट भी होने वाला है, आप एक फिल्म कर रही हैं लीड बन के. ओ माई गॉड, आपको तक, आपको किसने बताया? सोर्सेस. ओके, या डेफिनेटली, जब से मैंने, आप देख सकते हैं, जब से मैंने अपना फिगर दिखाना, एक्सक्यूज मी, जब से मैंने अपना फिगर दिखाना शुरू किया है, फिल्मों की तो बौछार मेरे पास आ गई है, और मैं बहुत ही बढ़िया एक फिल्म जल्द करने जा रही हूँ. बताऊंगी मैं आपको उसका नाम, आज नहीं बताना चाहती हूँ. लेकिन फिर भी राखी, आप किस तरीके का रोल इस फिल्म में प्ले करने जा रही हैं? देखो, थोड़ा सा साइकिक हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है. साइकिक मतलब ऐसे, जो कोई गलत करता है तो उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, है ना, और जो गलत करे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए. तो थोड़ा सा अलग साइकोपैथ टाइप कैरेक्टर है, जो अगर उसके, मैं बताना नहीं चाहूँगी अभी, प्लीज़, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल. अगर अभी सब बता दूँगी तो फिल्म में क्या, जब फिल्म में क्या बताऊँगी मैं आपको. लास्टली राखी जी, आपसे जानना चाहेंगे, यू नो, आपके फेवरेट एक्टर सलमान खान पे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था हाल ही में, दैट इज़ वेरी सैड. बहुत से लोगों ने प्रे किया. आई लव यू सलमान खान, और मैं सलमान खान के लिए मैंने बहुत फाइट किया. थैंक्स टू जूरी के सलमान खान को सज़ा नहीं हुई, बिकॉज सलमान खान का कोई कसूर नहीं था, बिकॉज सलमान खान के पास इतने पैसे हैं, ही इज़ अ बिग स्टार, तो उनको जानबूझ के कोर्ट में घसीटा जाता है, और उनको सज़ा बार बार सुनाई जाती, ताकि उछाला जाता, मीडिया में उछाले, और बड़ा नाम हो इन लोगों का, तो और उनके घर में बड़ी बड़ी बैगें पहुँच जाएँ, यू अंडरस्टैंड, पैसे पहुँच जाए. आई थिंक दे आर यूजिंग सलमान खान, और सलमान खान का कोई कसूर नहीं है, उनके ड्राइवर का कसूर था, तो आई थिंक उनके ड्राइवर को अंदर जाना चाहिए. जानबूझ के आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते. अगर सलमान खान को जेल हो जाती तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता. हाँ, अगर सलमान खान ने कोई प्लेन क्रैश किया होता, या बिल्डिंग क्रैश किया होता, या बॉम्ब ब्लास्ट किया होता, तो हम उनके खिलाफ नहीं, हम मतलब अब मतलब हम खुद सपोर्ट करते हैं कानून को, बट उन्होंने आई डोंट थिंक सो किसी गरीब को कुचला है, उनके ड्राइवर ने पी पा के कुचला है. सलमान खान का कोई कसूर नहीं, बिकॉज सलमान खान इज़ अ सेलिब्रिटी, वो इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको नाम घसीटा गया है, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर सके, ये उन्होंने कांड किया है. मतलब मैं आप समझ रहे हो जी, मैं किसकी बात कर रही हूँ. सलमान खान इज़ टोटली इनोसेंट. थैंक यू. तो आज का मसला राखी सावंत एंड यू आर वॉचिंग शॉप सीजे. कीप वॉचिंग. देखो.